हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। दिस इज़ मी वोकलिस्ट हबीब। जैसा कि आप लोगों को पता है, इन दिनों मैं फिटनेस से रिलेटेड बहुत सी सारी वीडियो आपको प्रोवाइड किया है मैंने। सो मैं आज की वीडियो में मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि मैं मॉर्निंग डाइट प्लान क्या है मेरा। सो जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि मैं आपको डाइट प्लान अपना ज़रूर शो करूँगा। सो लेट्स सी मेरा डाइट प्लान क्या है। और अगर आपको इसी तरह से आगे ग्रो करना है, अपने शरीर को आगे बढ़ाने का है, तो सो आप यही डाइट प्लान यूज़ करोगे, आई एम श्योर कि आप ज़रूर कुछ ना कुछ बन के निखरोगे। सो दैट्स व्हाट क्या है आज की डाइट में। सो लेट्स सी गाइस, आपको दिख रहा है जैसा कि एक थाली है, उसमें ये एग्स हैं, बनानाज है एंड स्वीट पोटैटो। यू नो स्वीट पोटैटो, जैसे अपने लैंग्वेज में हम गंजी भी बोलते हैं, शकरकंद भी बोलते हैं, इसके कई सारे नाम हैं अपने अपने लैंग्वेज में इसको बहुत सी। ये क्या होता है, आपको अच्छा इसका रिस्पांस है। इसका रिस्पांस अभी मुझे कुछ पता नहीं मेरे शरीर में क्या लगे, लेकिन मेरे ट्रेनर ने बताया कि आप ये स्वीट पोटैटो बनाना एग्स लेते रहना तो आपको अच्छा रिस्पांस मिलेगा। सो मैं जो लेता हूँ वो चीज़ मैं आपको शो कर रहा हूँ। और ये देखिए, एग्स का ये जो है, ये पीला जो है उसको निकाल देने का एंड ये लेने का और इसको खा लेने का, क्योंकि जिम वालों को ये चीज़ अलाउ नहीं है। मेरे ट्रेनर ने बोला आप दिन में 30 अंडा खाओ, लेकिन वो पीला निकाल के खा सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। सो इसमें देख लीजिए, ये मेरा मॉर्निंग है। अभी इसके बाद मैं क्या ले लूँगा वो तो ब्रेकफास्ट होगा, उसमें सब्जी रोटी डाइजेट कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये चीज़ बहुत ज़रूरी है आपके लिए। सबसे पहले जब आप सुबह में उठते हैं तो मैं चना लेता हूँ और छुहारा लेता हूँ, वो चीज़ मैं लेने के बाद ये चीज़ मैं ले रहा हूँ। सो ये चीज़ आप पूरा करोगे तो अच्छा रिस्पांस मिलेगा। तो देखा आपने मैंने क्या क्या लिया है। तो मैं आपको बता दूं, ये चीज़ आपको लेना पड़ेगा, खर्च करना पड़ेगा, बगैर खर्च करे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। और सबसे बड़ी बात, दो चार भुचुक्की मार लेने से आप बहुत बड़े फिटनेस गुंडा नहीं बन जाओगे। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ताकि आप वो खर्च करोगे तभी आप कुछ बन के निकलोगे। सो दो चार भुचुक्की मार के और आलू का कतरा खा लेने से नहीं बनता भाई, इतना खर्चा करोगे, इससे भी ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है। अभी तो मैं थोड़ा सा कम बजट में अपना कम का खर्चा चला रहा हूँ एंड आगे हो सकता है सर और अपना डाइट प्लान और भी ज़्यादा मजबूत करूँ। सो आप भी इसी तरह करते रहें और खाते रहें और हेल्दी रहते रहें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप।